हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे मॉक टेस्ट 5 जो नायब तहसीलदार का मॉक टेस्ट 5 है उसकी क्वांट एंड रीजनिंग की हम डिस्कशन कर रहे हैं, सॉल्यूशंस की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81st क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। 100 नेचुरल नंबर का एलसीएम देखो बेटा, गिवन है हमें एन। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है बेटा, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर रेज करते हैं। इसका मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स 100 तक के हैं वो और उनकी मैक्सिमम पावर इस नंबर में है। अब उसने कहा है कि नेक्स्ट व्हाट इज द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 105 नंबर। अब देखो 100 तक का एलसीएम हमें पता है, 105 अगले जो नंबर है वो क्या है आपके, ये नंबर से। ठीक है ना, ये नंबर से। अब बेटा देखो, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 101, 101 एंड 103। ये देखो 17 × 6 या 13 × 8 या आपका 15 × 7, बेटा ये सारे फैक्टर्स तो आपके ऑलरेडी एन में आ चुके हैं। तो एलसीएम लेते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, बस जो नंबर आपके एक्स्ट्रा ले रहे हो वो उनमें प्राइम नंबर कौन से हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना, फर्स्ट थिंग। तो यहां तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, n इंटू 101 इंटू 103। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 10403n, ये आंसर हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर हमेशा प्राइम नंबर ही ऐड मल्टीप्लाई करना है जो ज्यादा प्राइम नंबर है, नहीं, कई बार क्या करना पड़ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें इस क्वेश्चन में ऐड कर देता कि 125 भी इसका n का 100 नेचुरल नंबर्स के साथ साथ 125 और ऐड कर दिया हमने सीरीज में, क्या ऐड और कर दिया, नया नंबर हमने 125 ऐड कर दिया। तो इस केस में क्या होता है, 125 होती है 5 raised to power 3, है ना, और 100 तक के जो वैल्यू है उसमें मैक्सिमम 5 raised to power 2 ही आई है। तो आपका एक्स्ट्रा 5 आएगा ना, जब ये नंबर जुड़ जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा 5 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अगर पावर एक्स्ट्रा होती है वो भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, समझ लो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, सिर्फ हमने क्या किया, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने। ठीक है ना, कोई इशू है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई परचेज ए टिकट फॉर फुटबॉल मैच बिटवीन फ्रांस एंड इटली इन वर्ल्ड कप, द नंबर ऑन द टिकट वॉज ए 5-digit नंबर। नंबर क्या 5-digit है, परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान देना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, सच दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट वर सेम एंड सेकंड एंड फोर्थ डिजिट वर सेम, मतलब फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट एंड थर्ड डिजिट इज 3, देन व्हाट वाज द टिकट नंबर। बेटा एलिमिनेशन से बहुत इजीली हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड इन दीज डिजिट्स, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 में एंड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये दो तो एलिमिनेट होगी, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए हैं। अब ये देखिए, ये ऑप्शन 5-digit नंबर है, सारी प्रॉपर्टी कर रहा है, बस आपको ये किसके लिए चेक करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब एक सिंपल सी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, 11 × 11 2 digits है ना, 1, 2, 1, 3 digits देखो, 1, 2, 3, 2, 1, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। सारी प्रॉपर्टीज ये क्या है, 5-digit नंबर है, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट इक्वल है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, सब कुछ ठीक है। देखिए ये प्रॉपर्टीज कभी ना कभी काम आ जाती हैं, ये प्रॉपर्टीज 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, समझ रहे हो मेरी बात, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। जो बच्चा जिसे ये प्रॉपर्टी नहीं पता बेटा, वो पहले चेक करेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो बेटा सीधी सी बात है, लीव इट, एक्सक्लूड करो इन्हें, समझ रहे हो मेरी बात, कोई इशू है किसी को भी इसमें। चलिए हाँ जी, 40 men कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days, 40 men कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 60 days में। तो टोटल वर्क निकाल लो आप, टोटल वर्क कितना हो गया बेटा, वो चीज देखो, टोटल वर्क कितना हो गया बेटा, टोटल वर्क इज
40 इंटू 60 मीन्स 2400 2400 अब बेटा ये मैंडेज क्या होते हैं देसी भाषा में देसी लैंग्वेज में दिहाड़ी मजदूरी सीधी सी बात है कि 2400 मजदूरियां लगेंगी आपकी 2400 क्या है आपकी मजदूरियां लगेंगी ठीक है मैंडेज वही होता है इनडायरेक्टली वही होता है मैंडेज ठीक है अब देखो वो कहता है कि कुछ दिन बाद हाँ जी ध्यान देना 10 men left ठीक है तो ये क्वेश्चन कैसे करना है पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बताता हूं ठीक है 10 men left एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड इन 70 days वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ 70 days लेट 10 men left after x days ठीक है x days के बाद उन्होंने छोड़ दिया तो देखो पहले x days कितने बंदों ने काम किया पहले x days 40% ने काम किया ठीक है नेक्स्ट आपके देखो कितने बंदों ने काम किया 30 पीपल बट 70 माइनस एक्स क्योंकि टोटल 70 डेज लगे ने काम किया टोटल वर्क कितना आपका 2400 है ना टोटल वर्क कितने 2400 मैन डेज वो तो इक्वल रखोगे आप तो क्या हो गया ये बेटा सिंपल हो गया 40x माइनस 30x इक्वल टू क्या हो गया ये देखो ये क्या है 2100 हो जाएगा ये उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा ये स्टेप अब मैं सीधे स्किप कर रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको नहीं कितनी बार बताऊं हर लेक्चर में करवाए हर आपकी जो भी टेस्ट है उसमें करवाए फॉलो करिए ध्यान से जो चीजें करवाई जाती हैं ठीक है ना इसमें देखो 30 into 70 2100 होगा उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा और 30 into -x 30 - x अब 10x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10x की वैल्यू आ गई 30 एक्स की वैल्यू आ गई 300 आ गई एक्स की वैल्यू 10 से डिवाइड कर दो 30 इसका मतलब 30 डेज के बाद वो लोग छोड़ जाएंगे 10 लोग छोड़ जाएंगे बेटा ये तो बहुत लेंथी हो गया ये क्या हो गया बहुत लेंथी हो गया इसको इजी तरीके से कैसे करना है इजीएस्ट वे क्या है इसको करने का समझ लो मेरी बात इजीएस्ट वे क्या है इस क्वेश्चन को करने का एक चीज सोचो 17 डेज के लिए ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं 70 डेज के लिए 30 वर्कर्स ने तो कंटिन्यूअस काम किया ही किया ना उन 10 वर्कर्स को छोड़ दो इन्होंने तो काम किया ही किया ना इन्होंने कितना काम कर दिया 2100 बच गया कितना काम 300 मैन डेज बेटा ये कितने लोगों ने काम किया है देखो कितना आसान हो गया ये कितने लोगों ने काम किया 10 लोगों ने काम किया 10 लोगों ने कितने दिन काम किया बेटा 30 दिन 30 डेज Got this or not? है ना तो 30 दिन के बाद वो छोड़ के चले जाएंगे आपका आंसर क्या होगा 30 डेज Got this? समझ गयो हाँ जी देर इज लॉस ऑफ 10% इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 28% ठीक है ऑन मार्क प्राइस If the article is sold at mark price, then the percentage of profit will be. Profit and loss का question है. Step wise करिए. There is 10% loss if article is sold after allowing a discount of 28%. ध्यान दीजिए. CP 100 मान लिया हमने. ठीक है? ठीक है? Loss हुआ है. सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90 क्योंकि 10% लॉस हुआ है ये 90 सेलिंग प्राइस कैसे आया था एमआरपी पे ध्यान देना बेटा एमआरपी पे मतलब आपका आपने 28% डिस्काउंट दिया तभी आपका ये सेलिंग प्राइस आया था एमआरपी पे कितना डिस्काउंट दिया बेटा 28% डिस्काउंट दिया है आपने समझो इस बात को अब देखो एमआरपी पे 28% डिस्काउंट दिया है तो ये कितना हो जाएगा मान लो एमआरपी 100x है एमआरपी कितना है 100x है हाँ जी उस पे 28% डिस्काउंट देके आपका ये आया मतलब 28% डिस्काउंट देके 100x माना है तो कितना आना था 72x आना था कि नहीं आना था बच्चे डिस्काउंट
और 72x की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा 90। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90/72 है ना, x की वैल्यू। और आपका मार्क प्राइस कितना है 100x। मार्क प्राइस कितना है बेटा 100x। मान लीजिए 100x कितना हो जाएगा मार्क प्राइस की वैल्यू, निकालो इनटू 100 कर दो। हाँ जी बेटा कितना आ गया ये करो, 90/72 इंटू 100। कोई भी इशू नहीं आना चाहिए आपको ये करते वक्त। देखो सीधा सीधा आपका क्या होगा, किस पे डिवाइड जा रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करोगे 15, 12 है ना बेटा, 15, 12। फिर 3 से डिवाइड कर दो 5, हाँ जी बेटा 5 और 4 ये 25, मतलब आपका कितना हो गया 125। एमआरपी कितना आ गया बेटा 125। अगर वो 125 पे बेचता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता बेटा, 25% का। दैट मीन्स योर आंसर इज 25। दैट मीन्स योर आंसर इज 25। स्टेप वाइज करिए कि देखो उसे लॉस हो रहा है 10% का, इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसका 90 हो जाएगा अगर आप 100 सीपी मानोगे। अब वो कह रहा है ये कैसे आया, अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन एमआरपी, एमआरपी पे 28% का डिस्काउंट किया। इसका मतलब अगर एमआरपी 100x है तो सेलिंग प्राइस क्या है 72x है, सेलिंग प्राइस क्या है 72x, 72x 90 के बराबर रख दो, 100x की वैल्यू निकालो, 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। अगर 125 पे बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया बेटा 25%। आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट उठता है तो आपके पास नंबर है, आप ग्रुप में भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि सर ये इश्यू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है ए प्रिंटर पुट्स नंबर ऑन पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विद 1। ही यूजेस 3189 डिजिट्स इन ऑल, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कितनी डिजिट यूज करता है वो, 3189 टोटल डिजिट यूज करता है। आपको बताना है कि पेज नंबर कौन से पे पहुंचा है। देखो फर्स्ट 9 जो पेज, फर्स्ट जो 9 नंबर होंगे वो 1 डिजिट होंगे, तो फर्स्ट 9 डिजिट फर्स्ट पेज पे कोई इशू नहीं है हमें, 9 ऐसी होगी 1-1 डिजिट्स की। ठीक है, नेक्स्ट जो पेजेस होंगे उनमें 2-2 डिजिट्स के नंबर होंगे, 11, 12, 13, 14। अगले कितने पेजेस बेटा, अगले 90 पेजेस, क्योंकि 9 के बाद 10 to 99 आपके कितने नंबर हैं बेटा, कितने नंबर हैं बेटा 90 है ना, करके देख लो कितने नंबर हैं ये, 90 नंबर है, कितना आ जाएगा आपका, हाँ जी 92 डिजिट नंबर है ना। डिजिट्स कितनी हो जाएंगी बेटा, एक नंबर में 2 डिजिट है, एक नंबर में कितनी है 2 डिजिट है ना, एक नंबर में कितनी डिजिट है 2 डिजिट है। यहां एक नंबर में 1 डिजिट थी, अब 3 डिजिट्स वाले पेजेस पे चलते हैं, 100 से लेके 9900 तक आपके टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके 900 पेजेस ऐसे होंगे जिनमें 3 डिजिट नंबर होंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएगी, हर पेज पे 3 डिजिट्स हैं तो 900 पेजेस पे कितनी हो जाएगी, इतनी है ना, इंटू 3 कर दिया। प्लस अब शुरू हो गया आपका खेला, शुरू हो गया क्या, 4 वाला आ गया, लेकिन 4 वाले कितने पेज हैं वो हमें नहीं पता, नहीं पता, लेकिन टोटल डिजिट्स तो पता है ना आपको, टोटल डिजिट्स तो पता है ना, उसके बराबर रख दीजिए। 4 वाली कितने नंबर है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो 9 + 180 + 2700 + 4x = क्या आ गया बेटा 3189 है ना, कितना आ गया 3189 आ गया। टोटल करो 4x + 2188 = 3189, x की वैल्यू 4x = 300, x = 75 आ गया। उसने पूछा है द नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक, देखो नंबर ऑफ पेजेस कैसे आएंगे बेटा,
जहां वन डिजिट है वो पेजेस कितने हैं 9, जहां आपकी टू डिजिट है वो पेजेस कितने हैं 90, जहां थ्री डिजिट्स हैं वो पेजेस कितने हैं 900 एंड फोर डिजिट्स वाले पेजेस कितने 75, ये होगा 1074। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टिपिकल टाइप का ये क्वेश्चन है। गॉट दिस और नॉट? चले आगे। बेटा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, कमियां कहाँ हैं वो आपको देखना है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। ये रीजनिंग टाइप के ही क्वेश्चन है, ये मुश्किल, ये पीपीएससी रीजनिंग में डाल सकता है इस क्वेश्चन को, ध्यान देना इस बात को। हाँ जी, अब देखो पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, दे मीट आफ्टर 9 आवर्स, ठीक है। इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या है 9/7 आवर्स में मीट करते हैं। देखो दोनों केसेस में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो सेम है, रिलेटिव डिस्टेंस मतलब एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं दोनों ट्रेन्स, वो 90 किलोमीटर है। देखो दोनों के बीच में 90 किलोमीटर का डिफरेंस था। फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, दोनों एक साइड चल रहे हैं तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, इसे रिलेटिवली दोनों के रिलेटिव में ये 90 किलोमीटर क्रॉस करेगी तभी वो अपना उस ट्रेन को मीट करेगी आगे जाके, ठीक है। उसे रिलेटिवली क्या करना है, एक ही साइड जा रहे हैं बट रिलेटिवली ये 90 किलोमीटर जो बीच का डिस्टेंस है वो कवर करना है, ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसकी भी कुछ स्पीड है, इसकी भी कुछ है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं ना, दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है ये, समझो कि नहीं समझो। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, 90 किलोमीटर क्रॉस करना है, मान लो ट्रेन ए की, ध्यान देना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेन ए की स्पीड, आपने ट्रेन ए की स्पीड मान ली S1, ट्रेन बी की स्पीड मान ली S2। अब फर्स्ट केस में देखो रिलेटिव डिस्टेंस 90 किलोमीटर कर रहे हैं S1 - S2, क्योंकि स्पीड रिलेटिव क्या है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या, रिलेटिव स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होगा 90 किलोमीटर का, इक्वल टू कितना गिवन है 9, ठीक है। दूसरा केस क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इक्वल टू क्या 9/7 कर लो सोल्व, कितना टाइम लगेगा देखो कैसे। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा, S1 - S2 ये इधर आ गया, 9 नीचे आ गया, इक्वल टू 10, कितना मुश्किल है ये करना, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो गया, S1 - S2 को इस साइड ले आओ, कितना टाइम लगे। फिर देखो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये 10 हो गया और उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, S1 + S2 = 70, कितना टाइम लग रहा है आपको, 2S1 = 80, S1 की स्पीड कितनी आ गई बेटा 40, S1 कितना आ गया 40, S2 कितना आ गया बेटा 30। अब हमें ये नहीं बताया हुआ कौन सी कम ज़्यादा है, 30-40 हमारे पास ऑप्शन क्या है, यही है ना, 30 और 40 ऑप्शंस क्या हमारे पास, यही है, ये आंसर हो जाएगा, ए इज योर आंसर, समझ लो, कम ज़्यादा का कोई नहीं, उसने स्पीड किसी की ज़्यादा किसी की कम ये हमें नहीं पूछा, हमें पूछा कि दोनों की स्पीड कितनी होगी, 30-40 सीधा निकल जाएगा। अब इसको सोच के कैसे कर सकते थे आप, कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकता कि सोच के कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बना के तो हम कर ही लेंगे, सोच के कोई बता सकता है कि कैसे करेंगे इसको, हिंट दे सकता है मुझे? हाँ जी बेटा, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है सेम है, ठीक है। अब क्या है आपकी डिस्टेंस सेम है ना, दोनों केसेस में क्या है, 9 रिलेटिव डिस्टेंस कवर कर रहे हो 90 किलोमीटर का, तो जो स्पीड की रेशियो है वो क्या आ जाएगी, वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम की रेशियो, है ना। मान लो स्पीड की रेशियो S1 S2 है, सॉरी यहां S1 S2 नहीं लेंगे हम, रिलेटिव स्पीड ले लेंगे, सीधा क्या है
अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो मैं लिख लेता हूं इसे सेम डायरेक्शन, स्पीड इन सेम डायरेक्शन आर एस मान ली, स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन आर ओ मान ली, ठीक है। आर एस क्या है, इन सेम डायरेक्शन, आर ओ क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में कितना टाइम ले रहे हैं, 9 आवर्स का, है ना बेटा, कितना टाइम ले रहे हैं, 9 आवर्स का। इन अपोजिट डायरेक्शन कितना टाइम ले रहे हैं, 9/7 आवर का, है ना, 9/7 आवर का। अब देखो सेम डायरेक्शन और इसकी रेशियो ये है, ये है अपोजिट डायरेक्शन की, टाइम की क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट लिखो 9/7 9 9/7 9। क्या रेशियो होगी बेटा बताओ मुझे, जो है टाइम टेकन, जो है टाइम, सॉरी ये टाइम था ना, 9 आवर टाइम था, सॉरी स्पीड हमने मान ली, स्पीड की रेशियो टाइम के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, माई मिस्टेक, माई बैड। देखो बेटा ये मैं छोटे तरीके से करवाना चाह रहा हूं आपको, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, इक्वेशन से तो आप कर ही लोगे। देखो बेटा जब टाइम की ये रेशियो दे रखी है, टाइम की ये रेशियो दे रखी है, ये अपोजिट हो जाएगी, मैंने सीधा स्पीड के सामने लिख दिया, ये चीज हो जाएगी। टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस, यहां रिलेटिव डिस्टेंस सेम है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 9/7, हाँ जी, और 9, रेशियो क्या आ जाएगी बेटा, 1:7 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1:7, ठीक है, 1:7, हाँ 1:7। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, 1:7 का मतलब यहां है बेटा, ध्यान देना, यहां S1 S2 की नहीं है, यहां क्या है, S1-S2 रेशो S1+S2 आ गया, क्या आ गया, S1-S2 रेशो, ये आया 1:7, तो S1+S1 और S2 की रेशो क्या आ जाएगी बेटा, 3:4, साफ साफ दिख रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, 6:8 की होगी, 3:4 आपकी स्पीड की रेशो होगी, और 3:4 सिर्फ एंड सिर्फ यहां है, समझ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टाइम लगेगा, हमारी क्लासेस चल रही है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की, एक बार वो क्लास लगाइए उसके बाद ये चीज करके देखिए, आसान लगेगी, क्योंकि इस तरीके से बहुत कम जगह ये क्वेश्चंस कराए जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। चलिए सेवेंथ, ठीक है, ध्यान देना, ए डीलर सोल्ड ए बाइसाइकिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, हैड ही बॉट द बाइसाइकिल एट 10% लेस, मतलब उसका सीपी ही कम होता, एंड सोल्ड एट प्राइस ₹60 मोर, मतलब 10% लेस में खरीदता और ₹60 ज्यादा में बेचता, तो उसे कितना प्रॉफिट होना था, 25% का, उसे कितना प्रॉफिट होना था, 25% का। बेटा एक तो ऑप्शन से कर सकते हो, सिचुएशन देख के और ऑप्शन से करने की कोशिश करो, दूसरा बहुत इजी मेथड है, आप क्या करो उसका ओरिजिनल सीपी ये मान लो, 100 मान लिया, उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओरिजिनल जो है आपका कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 110 ओरिजिनल आ गया। अब वो कह रहा है 10% इसका सीपी कम हो, मतलब 90 हो, और वो 60 रुपीज एक्स्ट्रा में बेचे, अभी उससे हमें मतलब नहीं है कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचे, हमें मतलब नहीं है, हम ये देख लेंगे कि इस कॉस्ट प्राइस पे 25%, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 ही होता, 100 रुपीज ही होता, तो उस हिसाब से हमारा कितना सेलिंग प्राइस होना था न्यू, अब 90 का 25% कितना होता बेटा, 22.5, कितना आ गया बेटा, 112.5 आपका सेलिंग प्राइस होना था, ये जब हम 100 मान के करते हैं। एक्चुअल में यहां उसे कितना इंक्रीज करना पड़ा, प्राइस कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा, 2.5, जब हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, 2.5 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 60,
क्योंकि वो ₹60 मोर बेचता है, ₹60 ज्यादा में बेचता है ना, तभी उसे 25% प्रॉफिट हुआ, यहां सिर्फ 2.5%। इसका मतलब जो 100 की वैल्यू कुछ अलग होगी, वो कितनी होगी, 2.5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 60/2.5, एंड योर 100 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 100 कर दो, बेटा क्या आ गया ये, हाँ जी 40 × 60 = 2400, मतलब आपका सीपी क्या हो गया, 2400। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में देखिए, ये क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, स्टेप वाइज करना है, लेकिन समझ लो कि उससे अगर वो 10% लेस में खरीदता और 25% प्रॉफिट होता है, तो वो ₹60 एक्स्ट्रा में बेच रहा है एक्चुअल में, बट यहाँ हम 100 मान के कर रहे हैं, तो वो कितने में, ₹2.5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 2.5 = 60, सीधी सी बात है, तो सीपी निकाल लीजिए। गॉट दिस और नॉट? एथ क्वेश्चन, बेटा जैसा मैं कराऊं, जहां आपको फाइनल रेशियो पूछी हो दो अलॉयज को मिक्स करके, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सीधा सीधा मैं जैसे करूं वैसे। देखो आपको किस किस की टिन एंड आयरन, देखना मैं क्या स्टेप लेता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। टिन एंड आयरन की रेशियो है, एक में है, ए अलॉय में है 1:2, बी में कितना है बेटा 2:3। जो फर्स्ट स्टेप होगा, आप इनके रेशियो के पार्ट्स इक्वल करोगे, मतलब इक्वल, देखो ये टोटल 3 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, इनको इक्वल करना है, इनको क्या करना है, इक्वल करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, रेशियो क्या आ गया बेटा, आपकी जो ए की रेशियो आ जाएगी 5:10, और इसकी रेशियो आ जाएगी, हाँ जी बेटा 6:9, कोई भी इशू है। अब दोनों की क्वांटिटी, दोनों के पार्ट्स बराबर हो गए, अब किसी भी उसमें मिक्स करो, इक्वल मिक्स करने हैं सीधा ऐड कर दो, यहां कह रहा है वो दे आर मिक्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:4, 3:4 के प्रोपोर्शन है। देखो कितना आसान है अगर आप इस तरीके से करते हो। दूसरा क्या है, 6:9, इनकी क्या, इसके 4 पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, कितना आसान है ये, देखिए 15, हाँ जी बेटा 15, 30, हाँ जी 24, 36 कर दीजिए, 39:66, 3 से कट करिए, 13:22, 13:22 इज योर आंसर। कुछ नहीं करना, स्टेप वाइज करोगे, 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है ये, कितने क्वेश्चन, 30 सेकंड्स का। पहला स्टेप क्या है, पार्ट्स, पार्ट्स इक्वल करने हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके, 5 पार्ट्स इसके, इक्वल कर दिए, 15 पार्ट। अब जिस रेशियो में मिक्स करना है उतने से मल्टीप्लाई, उतने पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो एंड ऐड कर दो। गॉट दिस? बहुत चक्कर खाते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में, समझ गयो? हाँ जी, ये थोड़ा मैंने कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन डाला था, तो इसमें घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देखो छोड़ भी सकते हो अगर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, नहीं स्टेप वाइज चलते जाइए, ये क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, आपका 30 लाख पॉपुलेशन है, पहले 2 साल वो 4% से बढ़ती है, थर्ड ईयर वो 8% से कम हो जाती है, फोर्थ ईयर अगेन 4% से बढ़ती है। तो आप कहोगे सर 4 साल कंटिन्यूस निकालना है, अगर आप कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हो लिव इट, नहीं आपको स्टेप वाइज कैलकुलेशन करनी है, वो मैं कर देता हूं आपके लिए। देखिए स्टेप वाइज 30 लाख था, हाँ जी बेटा कितना था, 30 लाख, पहले 2 साल का निकालना तो मुश्किल ही नहीं है ना, 30 लाख, हाँ जी 4% आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, तो पहले साल कितना, 1,20,000 बढ़ गई है ना, पहले साल कितनी बढ़ गई बेटा, 1,20,000, सेकेंड ईयर 1,20,000, तो बढ़ेगी बढ़ेगी, प्लस आपका 4,800। आप कहोगे सर कहाँ से आया, हर बार करवाया, इसका भी 4% होगा ना पॉपुलेशन में, फर्स्ट ईयर में ये भी तो ऐड हो चुकी है, तो आपका टोटल इंक्रीज कितना हुआ बेटा, टोटल इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगी 2,44,800 आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, मतलब आपकी थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी 32,44,800, है ना, ये पॉपुलेशन थी।
अब क्या हुआ, अर्थक्वेक के कारण -8% हुआ, कितना हुआ बेटा 8% कम होगी पॉपुलेशन, कितनी कम होगी 8%। आपको क्या करना है, इसका 8% निकाल के माइनस करना है, इसका क्या करना है 8% निकाल के माइनस करना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो बहुत लंबा हो गया, नहीं एक मिनट में ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब देखो 1% इसका कितना होता है, ये दो जीरो छोड़ दो, ये दो जीरो छोड़ दी। अब देखो 8% निकालने के लिए, देखो ये 1% बच गया हमारे पास, ये वाला पोर्शन 1% है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 64, 6 8 जा 84, हाँ जी 8 इंटू 4 32, 38 क्योंकि 6 कैरी ओवर था, फिर करो 32, आपका कैरी ओवर कितना है 3 5, ध्यान देना मुश्किल नहीं है बेटा 5, फिर आपका कितना है 3 16 9 1 25, ये माइनस कर दो, देखो आपके सामने ही किया है मैंने, ये माइनस कर दो 6 1, हाँ जी 2 5 8 9 2 29,85,216 थर्ड ईयर में ये पॉपुलेशन थी, ठीक है। इसका 4% इंक्रीज, इसका क्या है 4% इंक्रीज कर दो बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सर बहुत मुश्किल हो रही है हम क्या करें, बेटा 4% सिर्फ इसका निकाल लो, किसका निकाल लो, इसका निकाल लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लगभग लगभग आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो 4% के लिए क्या करना है 29852 1% हो गया, 0.16 को छोड़ दो तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना इजी हो जाता है, 0.16 का मैंने लिया ही नहीं, 0.16 का मैंने लिया ही नहीं, छोड़ दिया मैंने, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 8 4 into 2 8 4 into 5 20 0 2 कैरी ओवर, हाँ जी 4 into 8 32 2 कैरी ओवर था 3 कैरी ओवर 9 3 कैरी ओवर 11, हाँ जी 4 1 हाँ जी सॉरी 2 6 4 0 1 3 1 0 4 6 2 4 3 1 0 4 6 2 4 देखो ये 6 2 5 है बस, क्योंकि हमने 0.16 को नहीं लिया था, वो छोड़ दिया था, आंसर आपका एक कम आया। इतनी क्लोज ऑप्शंस हो सकती हैं आपकी, नहीं हो सकती, आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करते हो, मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ इसलिए स्लो हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 89th हो गया, हाँ जी क्या है कि वो पानी मिक्स कर रहा है, हर बार 1/3 निकालता है, कितना निकालता है 1/3 निकालता है और पानी ऐड कर देता है, बच कितना जाता है उसका 2/3, मान लो मिल्क आपका 60 था तो हर बार 1/3 निकाल देता है वो, हाँ जी वो कह रहा है वो 20% से कम कब चला जाएगा, 20% से कम है मतलब जब वो कितना हो जाए बेटा 20% से कम कब चला जाएगा, जब वो 60 का 20% कितना होता है 12 से कम आ जाएगा, किससे कम आ जाएगा बेटा 12 से कम आ जाएगा, 12 से कम मिल्क की क्वांटिटी कब आएगी, देखो 60 × 2/3 इसमें नहीं आएगी क्योंकि 40 है, अगेन 2/3 करो ठीक है वो भी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी बेटा सीधा सीधा हमें पता है 4/3 है, 4/3 ऑफ 4/9 ऑफ 60, हाँ जी 20 × 80/9 आ जाएगा, 80/3 सॉरी कितना आ जाएगा 80/3, फिर भी आपका उससे कम नहीं होगा, अगेन थर्ड टाइम एन, अब देखो करके देखो 60 × 8/27 3 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये क्या आ गया आपका 9, कितना आ गया बेटा 160/9, 160/9 कितना होता है बेटा, हाँ जी 9 1 7 point something, अभी भी 12 से ज्यादा है ना, तीन बार ऐसा करने के बाद भी आपकी वैल्यू क्या आई है 12 से ज्यादा आई है ठीक है मिल्क की, ये
क्वेश्चन मैं बार बार दे चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, जितने भी पार्ट्स निकल रहे होते हैं वो वन से माइनस करके रिमेनिंग पार्ट होते हैं, जितनी बार वो रिपीट होती है उतना ही बचता जाएगा, उतने से ही मल्टीप्लाई करते जाओ। अब 12 से कम नहीं हो रहा तो फोर्थ टाइम कर दो। फोर्थ टाइम कैसे कर दोगे इसको, 160 बाय 9 था, 160 बाय 9 को अगेन 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि तीन बार तो हम यहाँ कर चुके हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा आपका, 320 डिवाइडेड बाय 27, एंड ये देखो ये क्या आ रहा है आपका, 11 समथिंग आएगा, 11989 समथिंग आएगा। तो बेटा ये तो 12 से कम आ गया, इसका मतलब अगर वो चार बार रिपीट करता है तो उसकी मिल्क की क्वांटिटी 20% से कम हो जाएगी। गॉट दिस और नॉट, अगर वो चार बार रिपीट करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फोर टाइम आंसर आ जाएगा। इफ ए वर्क डन बाय टू मैन इज इक्वलेंट टू डन बाय फाइव वीमेन एंड वर्क डन बाय फाइव टू वीमेन इज इक्वलेंट टू फाइव चिल्ड्रन, ठीक है, रेशियो निकाल लो एफिशिएंसी की, मैन वीमेन चाइल्ड, हाँ जी कितनी है, 2525, कैसे निकालोगे, हाँ जी बेटा कैसे करोगे, क्या रेशो आएगी इनकी, तीनों की रेशो अगर आपको निकालनी है तो क्या रेशो आएगी आपकी, हाँ जी 4 10 25, ये रेशो आएगी 4 10 25। मैन, चार मैन कैन वर्क इक्वलेंट टू 10 वीमेन और 25 चिल्ड्रन, ठीक है। अब एक काम है जिसे 100 चिल्ड्रन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 डेज में, कितने दिन में, 10 डेज में। अब 100 चिल्ड्रन का मतलब कितना मैन हो जाएंगे, आप बताओ, खुद बताओ कितने मैन हो जाएंगे, 100 चिल्ड्रन का मतलब कितने मैन हो जाएंगे, आप खुद बताओ, और वो कितने, 100 चिल्ड्रन इन 10 डेज, तो उसने पूछा है कि हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड बाय वन मैन अलोन, वन मैन अलोन। आप इस काम को किसमें कन्वर्ट कर लो, मैन डेज में कर दो, इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, मैन डेज में, इतने मैन डेज लगेंगे। अब 100 चाइल्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, इक्वलेंट टू कितने मैन है, 4 की 25 है, तो बेटा इनटू 4 कर दो, 4 कर दो, 1600। जितना 100 बच्चे काम करते हैं उतना ही 16 मैन काम कर देंगे, तो बेटा कितना आ जाएगा, 16 मैन 10 डेज का वर्क, 160 मैन डेज आ जाएगा। एक सिंगल आदमी कितने दिन में करेगा, 160 मैन डेज है तो वो कितने दिन में करेगा, 160 डेज में करेगा। दिस इज योर आंसर। और ये रेशो निकालना बेटा, 2 into 2 5 into 5, ये 4 हो गया, ये हो गया, बीच वाली टर्म इनकी मल्टीप्लाई 10। करवाए हुए हैं मैंने, बहुत से तरीके करवाए हुए हैं आपको पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आर से 20 किलोमीटर पर आर हो जाती है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो आपका टाइम चेंज हो जाता है, कैसे, मान लो डिस्टेंस डी, मान लो डी बाय 10 माइनस डी बाय 20 इक्वल टू 45 मिनट्स, मतलब इतना टाइम लग रहा है ना, डी की वैल्यू निकल गई, कितना टाइम लगेगा, डी यहां से आपका निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, दिस इज योर 3/4, डी इक्वल टू 3D माइनस 2D 20 एलसीएम 3/4, डी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 into 20/4, मतलब 15, मतलब डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है बेटा, 15 किलोमीटर, डी निकाल दिया, ये मैं रब कर देता हूँ, डिस्टेंस कितना बेटा, 15 किलोमीटर, हाँ ठीक है। अब वो कह रहे 40 किलोमीटर और 25 किलोमीटर आर की स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करें, कितना टाइम का डिफरेंस आएगा, तो बेटा कितना ही, देखो 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगा,
15 बाय, हाँ जी 15 बाय 25, ये होगा कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर कर रहे हैं। पूछा यही है ना आपसे, 15 किलोमीटर 40 की, क्योंकि ये कम होगा, स्पीड ज्यादा है, टाइम कम होगा, ये कितना होगा, ये पूछा आपसे, ये कितना होगा बेटा, कितना ही हो जाएगा, ये खुद देखो आर्स में आ जाएगा, आर्स में देखो, ये हो गया आपका 3/5 माइनस 3/8, ठीक है, माइनस 3/8, दिस इज 40, हाँ जी 24, हाँ जी 24 माइनस 15, 9/40 आवर्स, 9/40 को आप करो किसमें, मिनट्स में, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका कितना आ गया 27/2, 13.5 मिनट्स, दिस इज योर आंसर, आंसर कितना है आपका 13.5 मिनट्स, गॉट दिस। देखो ना बेटा, स्टेप वाइज करते जाओ, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। हाँ जी, ए गेट टुगेदर, इट वाज फाउंड दैट टोटल ऑफ 66 हैंडशेक्स, और कोई भी किसी के साथ दो बार नहीं मिलाया, एक ही बार मिलाया, हाथ के एक बार मिलाया, टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सीधा सीधा आपको सोचना है कि 66 कितने कंजुकेटिव नेचुरल नंबर्स का सम है, 66 कितने कंजुकेटिव नेचुरल नंबर्स का सम है, क्योंकि देखो मान लो 2% हाथ मिला रहे हैं, ये क्या होता है, 2% है तो एक बार हाथ मिलाएंगे, 3 है तो कितनी बार हाथ मिले, पहले पर्सन ने 2 और आपस में उन्होंने 3 बार हाथ मिलाया, ठीक है। अगर 4% है, 4% क्या करेंगे, कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 3+2+1, 5% है तो 4+3+2+1, 6 है तो 5+4+3+2+1 हैंडशेक्स होंगे, तो आपके टोटल हैंडशेक कितने हैं, 66। आप मान लो ये क्या हो जाएगा, कंजुकेटिव नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, हाँ जी 66। अब आपको क्या करना है, हाँ जी n की वैल्यू अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें पता है कि अगर हम 11 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 66 आ जाता है, कितना आ जाता है 66, है ना, कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, आ जाएगा, इसका मतलब 11 आपके, हाँ जी 11% नहीं है, मैंने क्या बताया था, अगर 12% होते हैं तो 11 आपका क्या है, मैक्सिमम एक बंदा 11 से हैंडशेक करता है, है ना, जैसे मैंने क्या बताया था, आपका 4% है तो हैंडशेक कितने हो जाएंगे, 3+2+1, तो 12% है तो हैंडशेक क्या होंगे, 11 प्लस, ध्यान देना, 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस अप टू 1, इसका मतलब टोटल पर्सन कितने हैं, 12, टोटल पर्सन कितने हैं बेटा, 12 आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 12, मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या सोचना है। ऐसे क्वेश्चन में, हैंडशेक वाले क्वेश्चन में, अगर हैंड्स दो बार नहीं मिला रहा तो सीधा क्या सोचना है, जितने हैंडशेक है वो किसी नेचुरल नंबर्स का, कंजुकेटिव नेचुरल नंबर्स का सम है, 66 है तो इसका मतलब 11 नेचुरल नंबर्स का सम है, 11 नेचुरल नंबर्स के हैंडशेक कब आते हैं, जब आपके 12% होते हैं, समझ लो, अगर आपका वो बोले 55 हैंडशेक है, इसका मतलब टोटल 11% है, क्योंकि 55 है 10 नेचुरल नंबर्स का, 45 बोले 9 नेचुरल नंबर्स का, आपका क्या है, कंजुकेटिव नेचुरल नंबर्स का सम है 45, इसका मतलब 10% पार्टी में है जो आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ चुका है। हाँ जी, एक कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड कंप्राइजिंग ऑफ 7 मेंबर सच डेट देर इज मेजोरिटी ऑफ मैन, मतलब 7 मेंबर है तो 4 एटलीस्ट मैन होने चाहिए, कंडीशन देखो, एटलीस्ट 4 मैन, क्यों, क्योंकि उनकी मेजोरिटी तभी होगी, एंड एटलीस्ट 1 वीमेन, ये कंडीशन आ गई, टोटल कितने होने चाहिए 7, टोटल कितने होने चाहिए 7, और चूज किस में से करने है, 9 मैन और 6 वीमेन में से, शॉर्टलिस्ट किस में से करने है, 9 मैन और 6 वीमेन में से। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं हम, कि हम 4 ही मैन लेते हैं, ठीक है, तो वीमेन कितनी आ जाएंगी हमारी बेटा, 3 वीमेन लेनी पड़ेंगी। सेकंड कंडीशन,
हम मैन बढ़ा देते हैं, विमेन हम दो ही ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन हम क्या करते हैं बेटा, हाँ जी, मैन बढ़ा देते हैं, विमेन को कम कर देते हैं। अब बेटा पिछली सारी वीडियोस में आपने देखा है कि कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो यहां मैं आपके लिए ये वर्क छोड़ रहा हूं। कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करोगे, एक एक का मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं कि आपका फाइनली ये चीज आएगी आपकी किसमें, इक्वेशन में। देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 126 इंटू, हाँ जी बेटा 20। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, नीचे वाले की प्लस और करना है, ये आ जाएगा 126 इंटू 15। और ये क्या आ जाएगा आपका बेटा, इंटू है बेटा, ये ध्यान देना, ये इंटू है। ये क्या आ जाएगा आपका, 84 इंटू 6। ये टोटल हो जाएगा आपका 4914। ये टोटल कितना हो जाएगा, 4914, मतलब डी इज योर आंसर। ये सारी चीजें मैंने पिछले पांच चारों टेस्टों में बार बार रिपीट किया है कि आपको कैसे सोल्व करना है कॉम्बिनेशन को। 9c4 को कैसे सोल्व करते हो बेटा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसे सोल्व करना होता है। 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्यों, हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, इंटू 4 फैक्टोरियल, जो बड़े वाला फैक्टोरियल है वो काट देते हैं हम, वो कैंसिल आउट कर देते हैं। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, ये इक्वेशन बनेगी, समझ लो, इसकी 6c3 की, ये आपका क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा, करके देख लो इसे, समझ गए। चलिए, कोई भी आपको इशू आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस रिलेशन में। हाँ जी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलिंग इन ए एग्जामिनेशन इज 1/5 एंड डेट ऑफ बी इज सेम एग्जाम इज 3/10, देन प्रोबेबिलिटी डेट आइदर ए और बी फेल्स। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आइदर ए और बी क्या हो गया सर, ये आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर, है ना, आइदर ए और बी। अब क्या होता है, आइदर ए और बी के केस में क्या हो जाता है आपका, ये दो बार काउंट कर देते हो आप। क्यों दो बार काउंट कर दिया बेटा, क्योंकि ये ए में भी, ये क्या, दोनों के फेल होने के चांसेस हैं, ये दोनों के फेल होने के चांसेस हैं, तो ये तो माइनस करना ही पड़ेगा ना आपको, आइदर ए और बी। अगर आप इसको बात करो तो ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, और आपको निकालना है ए यूनियन बी। वो कैसे निकलेगा बेटा, 1/5 प्लस 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, गुड, इतना आपको आ गया। बट क्या है, जो ये बीच वाला पार्ट है जो एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हो दो बार, ये माइनस करना पड़ेगा। ये क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये देखना। तो प्रोबेबिलिटी इसकी देखो, माइनस 1/5 इंटू 3/10, क्या आ जाएगा, करके देख लो आपका, हाँ जी 50, एलसीएम ले लिया, ये 3/50 हो जाएगा ना, तो माइनस 3/50 कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है, 10 प्लस, हाँ जी 15 माइनस 3 कितना हो गया, 22/50 कितना होगा बेटा, 11/25, दिस इज योर आंसर, 11/25 इज योर आंसर। स्टेप वाइज देखो, एम ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज कि आप हर टाइप का क्वेश्चन कवर करो जो सिंपल है। ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, इस बार टेबल टाइप का डाटा इंटरप्रिटेशन दिया है मैंने, डीआई। तो देखो, हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी टू स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट में, और लास्ट में टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट जो मार्क्स हैं टोटल, उनमें कितना परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है, परसेंटेज पॉइंट का। देखो लोवेस्ट तो ये हैं और हाईएस्ट ये हैं,
तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर हम अलग अलग निकाल लेते हैं कि हाईएस्ट की परसेंटेज कितनी होगी, टोटल 850 है इंटू 100 माइनस 477 डिवाइडेड बाई 850 इंटू 100, ये परसेंटेज पॉइंट आ जाएंगे, आ जाएंगे ना बच्चे, ये हो जाएगा। बट ऐसे नहीं करना, आपको कैसे करना है, ये आ जाएगा क्योंकि ये आपका लगभग 69 और ये 56, 13% आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सीधा कैसे कर सकते हो, बेटा इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1113, कितना आ रहा है 1113, और ये 850 का कितने परसेंट है, ये 850 का कितने परसेंट है। अब देखो बहुत आसान तरीका बताता हूं आपको, देखो 850 का 10% कितना होता है 85, ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिख लो 85 प्लस 28, है ना, लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो मतलब ये तो 10% हो गया, 10% प्लस 28 है, 28 850 का कितने परसेंट है, 28 850 का कितने परसेंट है, 10% तो आपने लिख दिया, मतलब आपका आंसर 10 समथिंग आएगा, ये तो पक्का श्योर होगा। अब देखो 850 का 1% होता है 8.5, 2% कितना हो जाएगा बेटा 17, 3% कितना हो गया 25 point something, तो 28 के नजदीक ही है, मतलब 3% और 10 plus 3 13%, ये आंसर आ जाएगा। समझे हो कि नहीं समझे हो, कैसे तोड़ के कर सकते हैं हम, देखो 850 का 10% 85 मैंने कर दिया, 850 का 1% है 8.5, 28 लगभग 3% के, 10 plus 3 13% आंसर आ गया, गॉट दिस। चलिए अब देखो ये क्या है, फास्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, फास्ट कैलकुलेशन बेस्ड। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स इन कॉर्पोरेट अवेयरनेस, कॉर्पोरेट अवेयरनेस ये है, ये टोटल करना है आपको। अब टोटल तो आप खुद करोगे, हाँ जी, अब गलती क्या होती है, बच्चे कहेंगे सर गलती हो जाती है टोटल में, बेटा फास्ट कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, डीआई वाले पीपीएससी डीआई देगा ही देगा, अगर आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आपसे नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा 743 आएगा, और कितने स्टूडेंट है बेटा, 7 स्टूडेंट है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, हाँ जी लगभग लगभग 106, दिस इज योर आंसर, गॉट दिस, एडिशन ही तो है, करो इसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट ई इन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथ्स टुगेदर, डाटा इंटरप्रिटेशन ई का एंड मैथ्स, ये कितने आए उसके 190, कितने में से आउट ऑफ 250, आउट ऑफ 250 कितने परसेंट हो गया बेटा, लगभग लगभग 0.0 इस जीरो से काट दो, ठीक है 4 30 76% आ गए किसके, ई के, मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन में, किससे कंपेयर करने हैं, स्टूडेंट ए के परसेंटेज से कितने ज्यादा हैं ये करने, स्टूडेंट ए के किस में बेटा, रीजनिंग एंड इंग्लिश, स्टूडेंट ए रीजनिंग एंड इंग्लिश ये है, कितने है बेटा ये 138 प्लस 32 170 आउट ऑफ 350, आउट ऑफ 350 इसके तो बहुत कम मार्क्स है बेटा, तो देखिए लगभग लगभग ये कितना हो गया, परसेंटेज में निकालो, लगभग लगभग ये आएगा आपका, हाँ जी 48.6 के नजदीक आ रहा है, 48.6 के आसपास आ रहे हैं, तो ये लगभग कितना हो जाएगा बेटा, 76 में से 48.6 माइनस करो 27.4, योर आंसर इज 27.4, दोनों का डिफरेंस, गॉट दिस और नॉट, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एवरेज, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो एडिशन, हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यही तो है, एडिशन कर दो आपका आ जाएगा आंसर, हाँ जी कितना आ जाएगा टोटल लिख लीजिए आप, मैच कर लेना 446 डिवाइडेड बाय 7, हाँ जी लगभग लगभग ये कितना है
63.71, आंसर है आपका 64. आंसर क्या है? 64. व्हाट दिस? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट एफ इन कॉर्पोरेट अवेयरनेस एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग टुगेदर. तो कॉर्पोरेट इन तीनों में, किसका? एफ का. इन तीनों में मार्क्स कितने वो चेक करने. कितने बेटा टोटल करो ये. हाँ जी, 260 मार्क्स आउट ऑफ 200 150 150 आउट ऑफ 500. कितने परसेंट हो गया बेटा ये? 52%. है ना बेटा, इन इस टेस्ट सीरीज का जो मतलब है, मेन है कि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से अवेयर कराना और फास्ट कैलकुलेशन करवाना आपके. ठीक है, विद द टाइम यू विल इम्प्रूव. विद द टाइम आपको सारे के सारे जो टेस्ट पेपर हैं वो सिंसेयरली देने ही देने हैं. गॉट दिस और नॉट? चलिए, आज का ये सॉल्यूशन यहीं ख़त्म करते हैं हम. नेक्स्ट पार्ट में आपका रीजनिंग का सॉल्यूशन होगा मॉक टेस्ट 5. थैंक यू.